सो मैं हाँ संदीप चौधरी तो मैं थोड़ा स्वागत करता न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। अज असी तुहानू एक अजी स्टोरी दिखा आए हैं जिन्हों देख के तुहाडे बच्चे भी जिहड़ा है बहुत मोटीवेट होणगे। वीडियो नू वध तों वध शेयर करनी है क्योंकि असी अज उस बेटी की स्टोरी तुहानू दिखा आए हैं जो एक छोटे जे स्कूल दे विच पढ़ के अज जज बन चुकी है। शिवप्रीत की गल कर रहा मैं, मैडम शिवप्रीत जेडे कि एक छोटे जे स्कूल तो जिन्हां दी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो अज जो जज के मुकाम तक पहुँच चुके हैं। ये हरेक बच्चे वास्ते बड़ी माण वाली गल है, कुछ सीखने वाली गल है। हरेक माँ बाप का सपना होंदा कि साडा बच्चा भी जिहड़ा है वो इस बुलंदियों तक पहुँचे जिथे अज शिवप्रीत पहुँच चुकी है। असी पहला भी जिहड़ी है शिवप्रीत ते उन्हां दी तीन भैणां दी स्टोरी तुहानू दिखा चुके हैं, तो तुसी उन्हें बड़ा प्यार दिता, बड़ा शेयर किया। मैं कहांगा इस वीडियो में भी तुसी वध तों वध शेयर करो ताकि हरेक बच्चे दे मन दे विच इह जोत जल जावे कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने शहर का नाम रोशन करना, तो कुछ बन के दिखाना है जो समाज के काम आवे। सो पूरी स्टोरी पूरी देखनी है तुसी ते वध तों वध शेयर करना है, ते तुसी देख पा रहे हो मैं ये तुसी देख रहे हो कि ये छोटी छोटी गलियां पुराने राजपुरे दियां छोटी छोटी गलियां जिथे शिवप्रीत छेवीं क्लास तो दसवीं क्लास तक पढ़ के अज जज दे मुकाम तक पहुँच चुकी है। हैरान हो जाओगे, शायद ही कुछ लोगों नूं इस स्कूल बारे पता होवे। तो अज तुहानू पूरी स्टोरी जिहड़ा है न्यूज़ 18 पंजाब दिखा रहा है, स्टोरी दे नाल बने रहियो। तो आपां शिवप्रीत नाल गल करांगे, उन्हां दे माँ बाप नाल भी गल करांगे, उस प्रिंसीपल नाल गल करांगे जिहदे अंडर जिहड़ा है शिवप्रीत छेवीं क्लास तो लैके दसवीं क्लास तक पढ़ के अज जज दे मुकाम तक पहुँच चुकी है। तुसीं बने रहो न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल, अगे भी यह स्टोरी इस तरह ही जारी रहेगी। तो राजपुरा दे पुराना राजपुरा दे विच खड़े हाँ, तो छोटिया गलियां जिहड़ी है कभी सोच नहीं सकते सी कि इतों पढ़ के स्कूल तो पढ़ के बच्चा एक जज बन जाएगा। सो तुसी कैमरामैन नूं दिखावांगा, ये छोटा जा स्कूल है, तुसी देख सकते हो कि यह छोटा जा स्कूल है, पब्लिक गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल राजपुरा। ये छोटा जा इहदा दरवाजा है, तुसी देख सकते हो कि छोटा जा दरवाजा है। मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि वह आणगे तो दिखाणगे शिवप्रीत दी किवें पलका बिछा के जिहड़ा है तैयारी चल रही है। देखो रंगोली बच्चों वालों बनाई हुई है, तो तुसी देख सकते हो कि सामने बच्चे जिहड़ा है इंतजार जिहड़ा है किया जा रहा है। तुसी देख सकते हो कि ये बच्चे जिहड़ा है बड़ी बेसब्री के नाल जिहड़ा है शिवप्रीत का इंतजार कर रहे हैं जो जज बन चुकी है। तो इसी स्कूल तो तुसी देख सकते हो, ये स्कूल है, इसी स्कूल तो छेवीं तो लैके दसवीं तक शिवप्रीत ने अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए उस तो बाद जज का मुकाम जिहड़ा हासिल किया। तुसी देख सकते हो कि टीचर साहबान ते बच्चे उन्होंने बहुत ही बेसब्री नाल इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर दे विच बच्चों के रूबरू होएगी शिवप्रीत, तो उन्होंने दसेगी कि हरेक बच्चे नू बड़े मन लगा के पढ़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं होंदा कि बहुत वड्डे स्कूलों के पढ़ के ही बच्चा जिहड़ा है जज के मुकाम तक पहुँच सकता, एक वड्डा अफसर बन सकता। वो एक छोटे स्कूल तो भी बच्चा पढ़ के अज जज के मुकाम ते जो शिवप्रीत वालों एक मिसाल कायम की गई है उसी स्कूल तो की गई है। सो तुहानू जल्दी लेके चलते हैं शिवप्रीत ते उहदे पेरेंट्स जिहड़े स्कूल च पहुँच चुके हैं, आपां तुहानू अगे दी स्टोरी दिखाने।
सो पुराना राजपुरा के स्कूल के लैके आए हैं तुहानू ते अज शिवप्रीत जो इस स्कूल तो पढ़ी है जो तुहानू स्कूल के हालात असी दिखाए हैं इस स्कूल तो भी बच्चा पढ़ के जिहड़ा है जज बन सकता है। अज असी स्पैशल स्टोरी कर रहे हैं अज शिवप्रीत अपने पेरेंट्स के नाल उरे आए तो बच्चों नू मोटीवेट कर रहे हैं बच्चों नू अगे वधन वास्ते मोटीवेट किया जा रहा है तो असी जिथे बाहर खड़े हैं कैमरामैन दिखाएंगे ये शिवप्रीत की क्लास होंदी सी दसवीं क्लास जिहड़ी है शिवप्रीत ने इसी स्कूल तो पास करके ते जज का एग्जाम दे के अज इन्नी वड्डी बुलंदी हासिल की है। सो तुसी देख सकते हो कि असी उस क्लास दे विच आ चुके हैं तो शिवप्रीत अज जिहड़े जज साहब हैगे वो उत्थे ही बैठे हैं जिथे इन्हां ने ये सपना देखा होगा कि मैं कभी इस मुकाम तक पहुँचागी तो आप गल करांगे शिवप्रीत जी नाल तो आप भी कोशिश करांगे इत्थे बैठांगे। मैम किस तरह का महसूस हो रहा है? उही क्लास है दसवीं की तो इत्थे ही बैठ के तुसी अपनी स्टडी की है जिस तरह ये खोल के बैठे हो तो की कहना चाहो? मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि किन्नी जल्दी टाइम चेंज हो गया बट वो क्लास उत्थे ही खड़ी है तो किन्ने बच्चे इतों पढ़ पढ़ के जाते हैं तो अज मैं भी इदा ही इतें बैठ के पढ़ती होंगी सी तो अज मैं मतलब कि एज ए गैसट आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं दिल तो चाहनी हूँ कि हरेक की जिंदगी चाहना खुशी भरिया दिन आवे। कि टाइम हो चुके है इस स्कूल छड़े हुए तो अगे स्टडी करते हुए? मैं 10th 2010 च पास की है तो मैं लगता 2010 तो बाद मैं छड़ता सी स्कूल 2011 दे विच मैं दूजे स्कूल शिफ्ट कर लिया सी। ते की अज प्रोग्राम रखा गया सी किस तरह का माहौल महसूस हो रहा है किस तरह बच्चे दिख रहे तुसी? मैं देख रहा सी जब तुसी बोल रहे थे चारों तरफ तुहाडा ध्यान सी स्कूल वल भी मैं किहड़ियां शरारतां कीतियां उरे तुसी क्या मैं बहुत शरारती भी सी कुछ पल सुनना चाहणगे वो बच्चे जिहड़े जज बनना चाहते? स्कूल दे विच आके तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा सपना ही सीगा कि मैं एज ए गैसट स्कूल दे विच जावां फिर भावें मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लीयर करके जावां तो अज आके मेरिया सारिया यादा ताज़ा हो गई ने। मैनू कल्ली कल्ली गल याद आ गई कि कित्थे खड़ के मैं किदा किवें पढ़ाई कीती किदा प्रेयर करदे सी सब कुछ याद आ गया तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सारा कुछ मेहनत ही है जिहड़ी कि मेहनत मैनू इत्थे तक ले आई है तो मैं मेहनत ही बहुत ज़्यादा करती सी तो मैनू अच्छा लग रहा है कि परमात्मा ने मेरी मेहनत का फल मैनू देता है। कुछ टीचर्स बारे भी तुसी दस रहे सीगे कि बड़े एक हासी माहौल दा उरे एक माहौल बन गया सीगा कि मैडम ने तुहानू थप्पड़ भी मारिया सी ते कुछ टॉफियां भी दित्तियां सी कुछ मूवमेंट है जे शेयर करना चाहोगे? बस यही है कि मैं बचपन तो ही छोटी छोटी गल मैनू बहुत मैटर करती सी जे कुछ भी टीचर ने कहता तो मैनू ये हुंदा सी कि इहदा कोई मीनिंग निकलदा है तो उस करके जिमें कि मैं कहा कि मैं क्लास बंक कर ली सी तो प्रेयर च खड़ा के थप्पड़ मारे सी कोई बुरा मनन वाली गल नहीं है। मैं पता सी मैं शरारती हाँ मैं शरारत की है तो पैने चाहिए सगों मैं रोई भी नहीं उदो तो फिर उस तो बाद मैं कदे बंक नहीं की क्लास फिर मैं सारा दिन आँदी सी फिर उस तो बाद जिदा कि टॉफी की गल मैं की सी तो मैं उदों सारा क्वेश्चन तैयार किया एज इट इज़ अच्छी तरह पढ़ के तो सारा क्लास च सुनाया सीगा तो मैम ने खुश हो गए टॉफी दी सी मतलब कि असी इन्ने छोटे लैव बच्चे होंगे ना माइंड इन्ना ज़्यादा हले ग्रो कर रहा होंगे तो अपन छोटी छोटी गल्ला मैटर कर दियाँ तो वह मेन गल यही है कि बच्चे के दिमाग च पॉजिटिविटी जिनी पाओगे ना तो उन्नी ही अगे लेके जाऊंगा। देखो तुहानू कुछ हादसे इहो जिहे भी दिखदे होणे कि किसी टीचर ने बच्चे नू थप्पड़ मारता तो उहदे माँ बाप ने आके स्कूल दे विच कलेश करता थाने दे विच कंप्लेट करती टीचर दी उहदे नाल तुहानू नहीं लगता कि मनोबल जिहड़ा है टीचर का भी गिर जाता है तो बच्चा जिहड़ा है वह अपने गोल तो हट जाता है? उहदे सब तो वड्डे जिम्मेवार जिहड़े माँ बाप होंदे जिवें कि तुहाडे माँ बाप ने तुहानू जो असीं पहला इंटरव्यू कर चुके हैं बड़ा कुछ सानू सुणन नू मिलिया कि कितना साथ दिता तुहाडे माँ बाप ने उन माँ बाप नू की कहना चाहोगे जो थप्पड़ मारन तो बाद उस टीचर ते कार्रवाई कराने हैं ते बच्चियां दी जिंदगी जिहड़ी है बर्बाद कर रहे हैं उन्हां नू की संदेश देना चाहोगे? मैं जे अपने मम्मी पापा की गल करा तो थप्पड़ हो चाहे झिड़का हो जो मेरे मम्मी पापा ने मैं गल दस दी सी भी इदा करके इदा पईआं तो वह कहें उन्होंने कोई फर्क नहीं सी पैंदा वह कहें भी तुहानू भेज कहदे वास्ते रहे हैं स्कूल दे विच बंदा बनन दे लई तुहानू भेज रहे हैं स्कूल दे विच तो उन्होंने कदे साडी गल नहीं गोली हैगी उन्होंने ये सी जे टीचर ने तुहाडी शिकायत की फिर असी जरूर उस ते एक्शन लवांगे कि तुसी की कीता
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਟੀਚਰਸ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਚੱਲਦਾ माँ बाप का मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिहड़े बच्चे दे अंदर जिहड़ा डर हुंदा ना वो टीचर का ज़्यादा हुंदा है ना तो जेकर आपां टीचर का डर ही खत्म करता है भी कोई ना जे मैम कुछ कहिंदे मैनू दसी मैं देख लूँगा की कहिंदी है वो इदां करके जे आपां एटीट्यूड रखांगे तो बच्चे का टीचर का भी डर खत्म हो जाना फिर उन्हें कोई नहीं डरा सकता जिहड़ा बच्चा नहीं डरिया तो वह बंदा नहीं बन सकता। एक तुसीं गल कीती है कि पेरेंट्स की तो आपां रिस्पैक्ट करते ही हाँ टीचर की बहुत जरूरी है रिस्पैक्ट करनी बच्चों को थोड़ा जा मोटीवेट करो उस वास्ते अजकल जो देखा जाता है कि टीचर की जिहड़ी है बहुत मजाक उड़ाई जाती है स्कूल छुट्टी तो बाद मजाक उड़ाई जाती है स्कूल के विच मजाक उड़ाई जाती है टीचर किस तरह पढ़ाएंगे बच्चों। मैं तो वैसे बहुत बार देखा कि अजकल बच्चे टीचर्स नूं कुछ समझते ही नहीं है सोशल मीडिया से देख लें उंज आप देख लें वीडियोस वगैरह बना के इन्नी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं मतलब टीचर्स नूं ही अजीब नज़र नाल देखते हैं तो मैनू ये सब देख के बहुत ज़्यादा अजीब फील हुंदा है कि बच्चे टीचर्स के मीनिंग ही भुल गए हैं जे आप टीचर्स की ही रिस्पैक्ट नहीं करी तो फिर तो आप सीख ही गिरे हैं तो मैं तो अपने दिल तो मतलब कि मैं तो बचपन तो लेके कदे भी किसी टीचर का पुठा नाम नहीं रखा जे मेरे कोई फ्रेंड भी रखती सी या बोलती सी तो मैं कदे सपोर्ट नहीं की हैगी ये गल का तो मैं अज भी माण है कि मैं टीचर्स की हमेशा रिस्पैक्ट की है तो मैं तो बच्चों भी यही कहना चाहूँगी जो टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ के तो वो हमेशा रिस्पैक्ट करो तो वह रब देखता टीचर भावें पता हो ना हो एक जब असी एंटर किया तो अपनी क्लासरूम मत्था टेकया ठीक है ना एक हूँ राजपुरा यहोजे स्कूल बन चुके एसी स्कूल बन चुके हैं तो जे इस क्लासरूम की हालत देखी जाए तो यही जेडे चार दरवाजे यही एसी है तुम मत्था भी टेकया तो की कहना चाहोगे उन बच्चों कि अपने स्कूल की समझ के उन्हें क्योंकि जदों आप जिंदगी की एक उपलब्धि तक पहुँच जाने तो अपन सारा बैकग्राउंड याद आता कि मैं कितों आई हाँ कितों नहीं तो फिर जितों मैं पढ़ाई की है मेरा स्कूल होवे मेरा कॉलेज होवे जां फिर मेरी कोचिंग क्लास होवे ते वो अज मेरे लिए मंदिर दे समान है जितों पढ़ पढ़ के मैनू इन्ना कुछ मैं अर्जित करके अगे अपना वधिया परफॉर्म कर पाई हाँ इसलिए उस मंदिर नूं मत्था टेकना तो बनता ही है। ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं देख सकते हो कि जज साहब दे नाल बैठन दा मौका मिल रहा है तो शिवप्रीत जी उसी बेंच ते जिहड़ा बैठ के अज सानू इंटरव्यू दे रहे हैं जिथे बैठ के उन्होंने पढ़ाई करते हुए अज इस मुकाम जिहड़ा है हासिल किया है। सो ये क्लासरूम है तुसी देखो तो ये हैगे प्रिंसीपल मैं कहांगा मैडम तुसी भी इधर आओ तो इन्हां तो प्रेरणा लैके अज जिहड़ा है शिवप्रीत इन्ने वड्डे अहुदे ते जिहड़ा पहुंचे आ आपां गलबात करांगे इन्हां दे नाल इन्हां नूं अज किस तरह बहुत अच्छा समाइलिंग फेस है अज बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट जिहड़ा अज इस मुकाम तक पहुँच गया तो जो लोग इस स्कूल नू नहीं भी जानते वो भी अज जिहड़ा है इस स्कूल नू शिवप्रीत करके जिहड़ा है जानना शुरू कर देंगे की कहना चाहोगे मैं सर। हाँ जी बहुत बहुत खुशी हो रही है बहुत माण हो रहा है अपने बच्चे ते कि इत्थे जिथे अज शिवप्रीत मैम बैठे ने बिल्कुल सेम पोजिशन ते बैठे ने मैं इसे क्लास की क्लास इंचार्ज सी इन्हां दी टेंथ बी दी तो ये टेंथ बी दे स्टूडेंट सी उदों तो मैं मैथ स्टडी कराती सी इन्हां नू मैथ इन्हां दा थोड़ा जा मीडियम सीगा इस करके इन्हां नू असीं कहा भी होना भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम दे विच मैथ दी भी लोड़ पैंदी है सारी मैंटल एबिलिटी जिहड़ी है मैथ ते डिपेंड करदी है उस करके इन्हों मोटीवेट किया देखो अज वो याद भी कर रहे हैं कि मैनू कहा गया सी भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम अगर बैठना है तो तुहानू मैथ्स की स्टडी करनी पेगी इस करके इन्होंने उस ते चलो इंप्लीमेंट किया अज इस मुकाम ते पहुँचे ने इन्होंने सानू याद करिया साडा धन्नवाद कर रहे ने ये सानू बहुत खुशी की गल है कि एक बच्चा इन्नी वड्डी पोस्ट ते पहुँच के स्कूल दे विच आए और साडा माण वधाया इसलिए मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ। सो तुसी देखे कि यह है कि प्रिंसीपल स्कूल दे ते स्कूल तुहानू दिखाया तो शिवप्रीत जी नाल गल कराई है तो अगे भी जिहड़ी है खबर जारी रहेगी ये स्टोरी जारी रहेगी बट तुसी एक शेयर का बटन जरूर दबना है ताकि तुहाडे बच्चे भी मोटीवेट होण तां उन्हां नूं पता लगे कि इस अहिजे स्कूल दे विच पढ़ के भी बच्चा जज बनता है अगे तुहानू दिखाने। सो तुसी देखिया कि असी अज तुहानू पुराना राजपुरा दे इस छोटे जे स्कूल दे विच लैके आए सी छोटी छोटी गलियां दे विच छोटा जिहा स्कूल बनया होया तो शिवप्रीत ने एक मिसाल कायम की है इस स्कूल दे विच पढ़ के वो अज जज का मुकाम जिहड़ा है हासिल कर चुकी है। सो तुहानू स्टोरी दिखा रहे सी तुहानू स्टोरी है किस तरह की लगी इहनू वध तों वध तुसी शेयर करना है तो
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਪੜ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਖਬਰ ਜਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਰ।